जनाब अमरान चौधरी साहब फखरे टोबा वो अपने ख्याल का इजहार करेंगे। एक बड़ी जोरदार ताली है, बहुत उठ के ताड़िया मारो यार, उठ के ताड़िया मारनिया चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफों रॉयल किंग यूएसए पाकिस्तान कबड्डी क्लब की तरफों, रॉयल किंग यूथ विंग टोबा टेक सिंह की तरफों, मेरे जिन्हें भी भ्रा कोच साहिबान ऑफिशियल जिन्हें भी मेरे भ्रा बाकी साढ़े इतने जफर मार की जाए, मैं उन्होंने खुशामदीद और सब तो पहले बहुत ही उन्होंने शुक्रिया अदा करता। उन्होंने अपना बहुत ही कीमती टाइम सानू दिता और अज इकट्ठे होने का मकसद साडा डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की कबड्डी का। मैं अपनी जिंदगी मैं रेस अमेरिका ही होया, मैं उतों ही पढ़िया, लेकिन जो कबड्डी असी अमेरिका च देखी थी, कनेडा च देखी थी, पूरे पाकिस्तान च देखी थी, जितना अलहमदुल्ला टैलेंट डिस्ट्रिक्ट टोबे में आ मैं किसी भी पंजाब के हिस्से नहीं देखा। और ये सारा ही जितने भी साढ़े इतने कोच साहिबान पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान लिए सर्व किया, टोबा टेक सिंह लिए सर्व किया, ये सारी उन्होंने कोशिशां वा कि साढ़े यंगस्टर मुंडे उन्होंने तैयार किए। और अलहमदुल्ला डिस्ट्रिक्ट टोबे के इस टाइम जितने यंगस्टर मुंडिया का टैलेंट है पाकिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट इतना टैलेंट नहीं है। और ये सारा जितना भी क्रैडिट आ ये सारे कोच साहिबान तुसी जिहड़ा अपना कीमती टाइम इन्हां बच्चों नूं दिंदे आ, मैं थोड़ा अपनी तरफों पाकिस्तान की तरफों अपने क्लब की तरफों बहुत शुक्रिया अदा करता। और देखो ये कोच साहिबान ही साडा सरमाया जिन्होंने पाकिस्तान लिए इन्ना कुछ किया, डिस्ट्रिक्ट टोबे लिए किया, हुण अपने पिंड के मुंडिया लिए तुसी अपना बच्चों तो टाइम कढ़ के बहुत ही कीमती टाइम कढ़ के इन्हां बच्चों दिने, ये इन्हां बच्चों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और अलहमदुल्ला मेरे डिस्ट्रिक्ट टोबे के 9 से 10 ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर आ जिन्होंने पूरी दुनिया च इस डिस्ट्रिक्ट टोबे का नाम किया। सब तो पहले उस्ताद मनू, मैं उस अल्लाह पाक उन्हें जन्नत उल फरदौस अला तआला मुकाम नसीब फरमाए, इदां दे प्लेयर नित मावां नहीं जमदियां। मैं उहदे बच्चे लिए मोटरसाइकिल का सन्मान करना, मैं देखिया उहदा बच्चा माशाला उहदे विच भी बहुत ज़्यादा टैलेंट आ, और ये साडा हक बणदा जिन्होंने पाकिस्तान लिए इन्ना कुछ किया। अगर किसी इंटरनेशनल प्लेयर के बच्चे का अगर ये तो कोई चीज़ एडे माने नहीं रखते, इस तो अलावा भी एक बहुत बड़ा दुख और दर्द आ कि साढ़े इन इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान लिए सर्व किया इन्हां लई अज तक मेरे मैनू तो नहीं नज़र आया साढ़े गवर्नमेंट सतह से ऑफिशियली किसी इलेक्टेड मैंबर MLA MPs ने अज तक साढ़े इन्हां इंटरनेशनल प्लेयर्स नूं बुला के अज तक कदे ये भी नहीं पूछया भी तुसी कौडी नूं 15-20 साल दिते, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाँ कढ़िया, पाकिस्तान का नाँ कढ़िया, थानू कोई तकलीफ कोई परेशानी थोड़े बच्चों की, देखो बच्चों के अज एजुकेशन का मसला वा, बच्चों के होर बहुत सारे मसाइल होंगे आ, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस डिस्ट्रिक्ट टोबे का नाँ कढ़िया। अज ये प्लेयर है सी तो डिस्ट्रिक्ट टोबे का नाँ वा, अगर ये प्लेयर ना होंगे होर भी किन्ने पाकिस्तान जिले है, तुसी जनूबी पंजाब वाल चले जाओ किन्ने प्लेयर उतों निकलते हैं, ये साड़ी खुशकिस्मती आ। लेकिन ये साड़ी दूसरी तरफों बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट टोबे की स्पोर्ट्स बहुत पिछे आ, जिदे विच असी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तो बहुत पिछे हाँ। वो रीज़न ये आ कि देखो उत्थे जिन्हें भी गवर्नमेंट सतह से कोई MLAs MPs आ उन्होंने बच्चों बहुत सपोर्ट करते हैं, आए दिन साढ़े गलानी साहब आ पाकिस्तान कबड्डी फैडरेशन नालों मुंसलिक है, उत्थे तुसी देखो MLAs MPs हर हफ्ते कोई ना कोई टूरनामेंट हुंदा, उन्होंने गवर्नमेंट की तरफों बहुत सपोर्ट आ। और साढ़े डिस्ट्रिक्ट टोबे में साल च एक ईवेंट हुंदा वा, उहदे विच भी डिस्ट्रिक्ट टोबे नूं नुमाइंदगी नहीं दित्ती जांदी, ये बहुत अफसोस की गल आ। बाकी जिहड़ा साडा एम सिर्फ कबड्डी डिस्ट्रिक्ट टोबे की इलैक्शन तो ये उस्ताद जुल्फकार अर्गे बैठे है जी, उस्ताद अच्छी अर्गे इन्होंने सानू धक्का मार के अगे करता जी, और साडा अलहमदुल्ला
माण आ साडे पाकिस्तान दे डिस्ट्रिक्ट टोबे दे सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा उन्होंने माण दिता साडा बहुत ही वर्क जारी है। देखो जे अज असी पूरे पाकिस्तान च कबड्डी लई अपनी जेब चों कुछ कर रहे हैं अलहमदुल्ला अल्लाह पाक ने इस फील्ड च आण दा मकसद सिर्फ यही आ कोई लालच नहीं गी ना ही अल्लाह दी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है मेरे ते मैं हूँ भी अमेरिका जा मेरा कारोबार भी सब कुछ ही लेकिन एक कबड्डी का एक कबड्डी के गरीब घर के प्लेयर जो बच्चे आ इन्हों एक बहुत बड़ा एक दर्द आ इस फील्ड अगे आने का मकसद सिर्फ है कि असं अपनी डिस्ट्रिक्ट टोबे की जी स्पोर्ट्स आ इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक को मंजूर होया तो इंशाअल्लाह अगर असं अपनी जेब चो इन्ना कुछ कर रहे हैं तो अगर अल्लाह ने सानू होर वसाइल दिते तो अलहमदुल्ला कोई सियासी गल्लां तां है नहीं गियां इंशाअल्लाह ताला तुहानू खुद ब खुद ही नज़र आएगा कि साडी इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट टोबे की कबड्डी और स्पैशली जिहड़े साडे बच्चे जिहड़े गरीब घर आते हैं जिहड़े स्पोर्ट्स नाल मुनसलिक आ इंशाअल्लाह ताला असी जो भी हो सकिया असी उन्होंने होर इज्जत अफजाई करांगे और एक कबड्डी तो एक इंशाअल्लाह ताला एक आला म्यार ते लैके जावांगे। देखो डिस्ट्रिक्ट टोबे में टोटल 15 to 20 रोडा वा कोई एडा तो है नहीं गा वड्डा डिस्ट्रिक्ट में इतने फ्लाईओवर बने आ एक गरीब जिमीदार आ एक गरीब प्लेयर आ इतने दो ही तबके आ और एक गरीब जिमीदार का घर भी उसी सूरत खुशहाल होएगा कि जो बच्चा बेशक वह स्पोर्ट्स आ बेशक वह पढ़ाई चा अगर वो हौसला अफजाई होएगी। देखो बच्चा एक पूरे घर को बनाता अज तुसी उस्ताद सारे इतने बैठे आ थानू बहुत सारी परेशानियां भी आदि कि थोड़े पिंड कोई बच्चे ऐसे आ जिन्हों का कोई एडा माली तौर पर कोई एडा नहीं सिस्टम अच्छा लेकिन वो बावजूद बच्चा सुबह शाम थोड़े को आता वा और अपने घर का सिलसिला भी चला जोड़ा मैच जनू फीस मिलती है और मैच भी साढ़े डिस्ट्रिक्ट टोबे च अलहमदुल्ला पिछले साल तो कबड्डी भी ज़्यादा हुई है बच्चों कबड्डी भी ज़्यादा मिली आ। देखो बच्चे साढ़े खुशहाल होंगे कबड्डी के प्लेयर खुशहाल होंगे इंशाअल्लाह ताला एक घर भी खुशहाल होंगे वो जिम्मेदार भी खुशहाल होएगा और साढ़े कबड्डी का जी लीग असी करवा रहे हैं वो अगले महीने की 15, 16, 17 फुटबॉल स्टेडियम इंशाअल्लाह ताला उधर 14 तारीख में साड़ी एक सरमनी होएगी जिद इंशाअल्लाह ताला असी अज मेरे ख्याल 50 क्लब इतने बैठे आ डिस्ट्रिक्ट टोबे के असी उन्होंने को लिस्ट हम लै रहे हैं 12 प्लेयर्स ही असी बकायदा तौर पर किटा भी देवे इंशाअल्लाह ताला 50 क्लबों और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही मुनफरिद और इंशाअल्लाह ताला अलग किस्म और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिद असी इस लीग का बकायदा इफ्तिताह करांगे और ये सिर्फ इस चीज़ को करने का मकसद देखो एक बहुत बड़ा जिहाद ये जिहाद सारे दूसरी कोच साहिबान कर रहे हैं कि बच्चे एक नशे तो हट के ग्राउंड आ रहे हैं ये बहुत बड़ा जिहाद आ और अल्लाह की जात थानू अजर देगी कि जितने भी कोच साहिबान अज इतने बैठे आ ये सारा सेहरा थानू जाता इंशाल्लाह मैं थोड़े नाल खड़ा थोड़ा कोई बच्चा ऐसा जिहड़ा तुसी समझदे आ कि आने वाले वक्त का सुपर स्टार बनता देखो राणे अली शाह नू गड्डी मिली आ बिलाल मोहसिन हो गया जे इदां दे ही प्लेयर अलहमदुल्ला डिस्ट्रिक्ट टोबे जो किन्ने राणे अली शाह बन सकते आ बिलाल मोहसिन बन सकते आ ये सब ही जिन्ना भी क्रैडिट आ थोड़े कोच साहिबान नू जांदा और इंशाअल्लाह ये अजर अल्लाह की जात ने थानू देना तुसी ना बच्चों लिए बेलोस होकर करने और मैं थोड़े नाल हर दम जिस टाइम भी तुसी आवाज़ दोगे ये भरा थोड़े नाल इंशाअल्लाह कंधा ला के थोड़े नाल खड़ा और मैं बस 2-4 चीज़ा ये तो मैं थानू कहूँगा भी ये जी सा लीक होने जा रही है ये ऑफिशियल भी साढ़े हजरात इतने बैठे आ इनू इन्ना नज़मो जब्त ला तुसी अगर करोगे देखो अज लाइव चल रहा पूरी दुनिया च अगर असी इनू जिन्ना ही वैल डिसिपलिन करांगे मेरे कोच साहिबान नू भी बहुत बड़ी गुजारिश आ असी जिन्ना ही वैल डिसिपलिन इनू करांगे इस थवाड़ी इज्जत आ थवाड़े डिस्ट्रिक्ट की इज्जत आ थवाड़े जिले की इज्जत थवाड़े घर की इज्जत आ अगर असी इस बदनज़मी किसी गल ते भी होएगी देखो हार जित दो टीम ग्राउंड चाहिए एक जीती है एक हारती है थोड़ा जहा बड़ेपन का मुजहरा भी करना पैंता ऑफिशियल को सारा टाइम गलती भी हो जाती है लेकिन ग्राउंड इस चीज़ का खास ख्याल रखो भी ऑफिशियल जेडे साढ़े चो ही भरा वा उन्होंने को भी मिसटेक हो सकती है
बजाय कि असी एक मैच नू घंटा लेट करिए। इसी दा तमाम कोच साहिबान नू मेरा परसनली रिक्वेस्ट है कि इहदे ते अपना टाइम ना वेस्ट करके, ताकि देखो इहदे च 50 क्लब आ, जिहदे च असी 65 किलो 75 किलो असी दो कैटागरीज बनाईआं, एक ओपन असी कैटागरी बनाई आ और एक चौथी कैटागरीज असी वो भी ओपन बनाई आ, जिहदे विच टोबे तो हट के जिदा साडा रजाणा गंडा सिंह उस्ताद कादराबाद वाले और शानी, ये अगर तुसी अपनी देहाती टीमा देना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अगर तुसी देहाती टीम नहीं देना चाहते, असी ओपन एक मतलब कैटागरी रखी आ, ओपन च इंशाल्लाह ताला थोड़े 3-4 क्लब होंगे, एक टोबे का क्लब होएगा और उहदे विच असी बेस्ट रेडर बेस्ट अपर नूं मोटरबाइक्स देवांगे और इंशाल्लाह ताला जिहड़ा ओपन टोबे का होएगा उहदे विच भी बेस्ट रेडर बेस्ट स्टापर नूं मोटरबाइक्स दिता जाएगा और इंशाल्लाह ताला अगले साल इंशाल्लाह ताला रॉयल किंग्स यूएसए दे प्लेटफॉर्म तो मैं इंशाल्लाह ये ऐलान करदा। पहले मैं कुछ सुनिया जिदा उस्ताद शीश नाग ने कहा जी सानू मौका नहीं मिलिया टूर्नामेंट करवाण दा, ये इंशाल्लाह ताला अगले साल एक लीग तो हट के असी 40 मोटरसाइकिल इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट टोबे च देने आ और असी जिन्हें साढ़े नाल क्लब रजिस्टर्ड आ या जिन्हें क्लब साढ़े नाल इंशाल्लाह ताला अज सानू पता लग जाना वा, मेरे को लिस्ट तकरीबन 50 क्लबों की आई आ, असी हर क्लब न इंशाल्लाह ताला एक सिरे तो शुरू करांगे, एक एक असी टूर्नामेंट उन्होंने देवांगे और उन्होंने जिहड़ा बेस्ट प्लेयर होएगा उन्होंने पिंड च जाके उन्होंने बेस्ट प्लेयर की हौसला अफजाई की जाएगी। और इहदे विच देहाती तौर पर 65 किलो की एक कैटागरी आ, 75 किलो की आ और जिन्हें भी प्लेयर्स जिन्हें भी कोच साहिबान इतने आए आ अपनियां लिस्टां इतने दे सकते हैं और इस बारे च ओपन ओपन जिहड़ा साडा इंशाल्लाह ताला जिहड़ा होएगा उहदे विच साढ़े जिहड़े 4 क्लब हिस्सा लैणगे, 2 मैच साढ़े पहले दिन होणगे जिदन साडी ओपनिंग सैरमनी होएगी इंशाल्लाह ताला और उहदे बेस्ट रेडर और बेस्ट आपां नूं मोटरबाइक दिता जाएगा और इंशाल्लाह ताला बाकी अगर तमाम प्लेयरां नूं असीं कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जिदन साडी ओपनिंग सैरमनी आ असीं उस दिन उन्हां नूं तमाम प्लेयरां नूं किटां नाल सन्मान करिए, हर बच्चे नूं हर वो गरीब बच्चा जिहड़ा नहीं किट अफोर्ड कर सकदा असीं इंशाल्लाह ताला वह 500 प्लेयर बनता 600 प्लेयर बनता असीं हर बच्चे नूं इंशाल्लाह ताला एक किट देवांगे और इंशाल्लाह ताला उस दिन का असी लाए अमल तुहानू दसांगे, जितने भी थोड़े कोच साहिबान होणगे जितने भी क्लब होणगे एक बकायदा बहुत ही वैल ऑर्गेनाइज सैरमनी होएगी और इंशाल्लाह ताला देखो ये कबड्डी ये ईवेंट्स जिहड़े आ ये सारा सब कुछ थोड़ी बदौलत आ, ठीक है जी, और जितना भी तुसी इहदे विच साडे नाल कोऑपरेट करोगे इंशाल्लाह ताला ये बाहरों प्रमोटर होर आणगे बाहरों प्रमोटर्स जुड़नगे साडे डिस्ट्रिक्ट टोबे नाल, डिस्ट्रिक्ट टोबे की कबड्डी देख के बहुत सारे प्रमोटर्स की कॉल भी आती है कनेडा तो आस्ट्रेलिया तो, जिहड़े प्रमोटर बाहरों बैठ के देखते आ तुहाडे बच्चे अच्छे हुंदे आ उन्हां दा अगे फ्यूचर भी अल्लाह दे हुक्म नाल अच्छा होएगा और इंशाल्लाह ताला आखिर ते तमाम जिन्हें भी भाई आए उन्हों का बहुत शुक्रिया और ये तुसी मेरा हल्का पीपी 121 साड़ी फेल फोर असी हजे नूं बकायदा अनाउंस नहीं किया इंशाल्लाह ताला असी इहनूं अपनी सैरमनी ते असी अनाउंस करांगे, इहदे विच तुसी एक गल का खास ख्याल रखियो, देखो जिन्हें भी यूथ आ साडे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करदी आ, अगे 10-15 साल तुसी इन्हां जमातां नाल तुरदे आए आ, इस दफा अगर तुसी डिस्ट्रिक्ट या SPP 121 च नहीं भी है थोड़े कोई दोस्त सहबाब इत्थे है अपने लिए अपने बच्चों लिए जरूर साड़ी ये हेल्प करियो, क्योंकि तुसी 20 साल अगर एको ही सिस्टम जो तुसी चलते आ रहे हैं अगर तुसी उस सिस्टम नूं भी देखिया वा अगर तुसी अपने बच्चों की खातर इस विच साड़ा साथ दोगे इंशाल्लाह ताला ये देखो कोई असी मैं पहले भी तुहानू कहा वा साड़ी कोई लालच नहीं ना सानू अल्लाह माफ़ करे कोई मेरे जाती तौर पर बहुत अच्छे टर्म्स है कि ना मेरा काम कदे रुकया ये जो कुछ भी आ ये डिस्ट्रिक्ट टोबे के बच्चों लिए असी कर रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट टोबे के बच्चों की नुमाइंदगी लिए अगर अज तो पहले किसी ने इन्हें बच्चों का नहीं पूछा मैं थोड़ा मिसाल दी है 9-10 इतने इंटरनेशनल प्लेयर साढ़े बैठे आ अज तक कद इन्हों किसी बंद ने यह नहीं पूछा साढ़े ऑफिशियल्स बैठे साढ़े ऑफिशियल्स की कि नुमाइंदगी है अज वर्ल्ड कप हों देख लो जिन्हें ऑफिशियल्स इतने बैठे आ किस ऑफिशियल की नुमाइंदगी हुई है 0-1-2 वजह ये है कि जो थोड़े डिस्ट्रिक्ट टोबे थोड़े इलेक्टेड मैंबर जो नहीं सपोर्ट करेंगे थोड़े ऑफिशियल्स थोड़े प्लेयरों कोई बंदा भी नहीं सपोर्ट करेगा ये बहुत बड़ा एक सानू थोड़ा साथ चाहिए वा टोबे की नुमाइंदगी लई मेरी जात लई नहीं अपनी जात लई तुसी करो अपनी जात अपने बच्चों की जात लई करो और एक सिस्टम तो हट के करो और ये एक अल्लाह की अमानत आ इस चीज़ का भी अल्लाह पाक ने थोड़े को सवाल करना असी जिथे भी गए हैं मैं तकरीबन 15-20 पिंड उस्ताद जुल्फकार हो गया इन्हों उस्ताद अच्छी की बहुत मेहरबानी है बहुत खसूसी साढ़े ना टाइम दे रहे हैं और जिथे भी असी गए हैं अलहमदुल्ला साढ़े नाल यंग आ बजुर्ग बंदे आ और साढ़े नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया वा वो सिर्फ किस वास्ते किया वा जो असी किया वा पास्ट च देखो अज यूट्यूब चल रहा वा अज प्रिंट मीडिया वा सोशल मीडिया वा थोड़े डिस्ट्रिक्ट टोबे एक मैनु स्पीच दस दो अज तक किसी इलेक्टेड मैंबर ने थोड़े इन बच्चों की कुछ कितने बोलिया हो किसी जिमीदार ने किसी फोरम पर बोलिया तकरीबन 100 बंदा बैठा मैं तो यही कहना कि 100 बंदे ये नहीं पता कि इन्होंने जो इलेक्टेड मैंबर वो रेंदे कितने वो की करते मैं इस तो ज़्यादा थोड़ा टाइम नहीं लवागा इंशाल्लाह ताला तुसी साडे नाल चलोगे मेरे नाल तुसी चल रहे ऑलरेडी देखो साडा सच्चा सुच्चा जिहा रिश्ता कबड्डी नाल माँ खेड कबड्डी जो माँ खेड कबड्डी का नाँ आ जाता दुनिया की सारिया चीज़ा पिछे रह जांदियां एक माँ का मुकाम आ देखो तुसी सच्चे सुच्चे हो के नाल चलोगे ये थोड़ा ये डिस्ट्रिक्ट टोबे का ये साडा सब की इज्जत आ इंशाल्लाह ताला और ये बाकी जिहड़ी भी कैटागरीज आ मैं थानू दस दित्तियां वा इंशाल्लाह इस इवेंट ए सेरेमनी तो बाद तुसी परसनली इत्थे बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं इहदे इनामात जिहड़े आ वो असी उस दिन भी बोल दांगे जिस दिन असी इहदी ओपनिंग करांगे और भी किसी नूं कोई सवाल होवे उस्ताद मन्नू दे बेटे दा सन्मान होगा इंशाल्लाह ताला जिस दिन फाइनल होगा उस दिन होर कोई प्लेयर कोई इंटरनेशनल प्लेयर देखो मैनू इसे जेडे चंद एक तो मेरे नज़र च है अगर होर कोई थोड़ी नज़र कोई हैगा कोई ऐसा गरीब इंटरनेशनल प्लेयर जिहदा बच्चा इस टाइम किसी हेल्प का मुस्ताहिक मेरे नाल उहदा भी जिक्र करो इंशाल्लाह ताला ये बेलोस मुहब्बत और ये बेलोस हेल्प इंशाल्लाह जिनी देर जिंदगी हैगी इस डिस्ट्रिक्ट टोबे लई रहेगी बहुत शुक्रिया जी अस्सलामुअलैकुम जी जिन्हें भी कोच साहब आए हैं जी ये सारे फार्म लैके जाएंगे तो अपने क्लब के जिन्हें भी उन्होंने प्लेयर आ उन्होंने ना उन्होंने शनाख्ती कार्ड के नंबर वो फार्म साढ़े को पे हैं वो लैके तो पुर करके साढ़े तक पहुँचाने अगर सारे कोच साहबान को अपने मुंडिया के ना तो है ही आ जारी गल अगर तुम हूँ दे जाओ और साढ़े लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी अगर किसी के जेन च कोई भी क्वेश्चन हैगा वा इस तो रिलेटेड मैं इतने ही बैठा वा तुम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मत सोचियो कि कोई डिस्ट्रिक्ट टोबे का सारे का कप आ ये देखो उस्ताद टोनी डंडा सिंह हाफिज साहब हो गए और कादराबाद तो जेडे आए हैं तुम मेरे लिए बहुत ही वाजिबल इतराम पाकिस्तान इस टोबे बहुत कुछ किया और ये असी थोड़ा देन नहीं दे सकते इंशाल्लाह ताला तुसी अपने पिंड च कोई टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं तुसी वैसे भी थानू बिल्कुल साढ़े मेरे वालों स्पैशली खुली एक दावत आ जो भी तुसी कोई इवेंट करवाओ देखो मैं जिथे भी जा रहा वा मैनू कोई जानता नहीं जानता जो भी साहिब इस्तेदाद असी उहदी हेल्प करी दी है और इंशाल्लाह ताला तुसी जो भी कोई भी ईवेंट करवाओ जिदा अपना खुली कबड्डी के साडे बहुत ही बड़े स्टार भी इतने बैठे आ जो भी तुसी अपने पिंड च कोई टूर्नामेंट करवाना चाहो असी थोड़े नाल इंशाल्लाह असी दावेदार हाँ थोड़े जिन्हें भी दोस्त आए ने
अपने उस्ताद भी आए हो के गए, उन्होंने अपना इजहार किया कबड्डी के मुतलक। देखो जी, इमरान चौधरी साहब साढ़े जिले टोबे की कबड्डी वास्ते पिछे भी आए तो बड़ा इस कबड्डी बड़ा कुछ दे के गए ने। हूँ भी साढ़े कबड्डी वाले वास्ते बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। देखो अज जिहड़ा दौर चलन दिया, अपनी औलाद सकी वास्ते भी करना औखा है, सकी औलाद वास्ते भी लोग जिहड़ा भी इन्ना नहीं करते जिन्ना चौधरी इमरान साहब साढ़े जिले टोबे की कबड्डी वास्ते करते हैं। मेहरबानी इन्हां दी, अल्लाह ताला इन्हां नूं जज़ा दवे, अल्लाह ताला इन्हां दे इलम अमर, अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र दे विच बरकत अता फरमाए। दोस्तां नूं छोटियां जी एक दो गुजारिशां करनियां ने। सब तो पहली गुजारिश यह आ, कबड्डी होनी चाहीदी आ, कबड्डी दे विच मुनाफकत नहीं होनी चाहीदी। देखो जदों कबड्डी दे विच मुनाफकत चलती है ना, फिर ना चाहुंदिया होया भी सीधी जिहड़ी गल आ इहदे विच मुकरण वाली कि गल आ। साडे वर्गे बंदे का भी जेहन बन जाता भी नहीं यार जिदा का वह चलन दिया उदा का आप चली जाओ। जिहड़ी गल आ उहदा स्वाद आ सामने होवे। जिदा हुण पंडाल लगा, हुण हर बंदा आवे अपना अपना इजहार करे तां कि चोर साहब नूं पता लगे भी बंदिया ने यार अपने अपना इजहार किया गल का। मकसद कहन दा है भी कुछ मीटिंगां होंदियां ओपन, कुछ होंदियां अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मकसद देखो मुशावरत होंदी आ, मुशावरत दे विच अपने मकसद नूं सामने रख के होए। यह नहीं कहना चाहिदा भी यार फलाना काम नहीं होना चाहिदा, सिर्फ कि उहदे विच अपना जाती मकसद आ जांदा। तकड़ी जिहड़ी ना तकड़ी जदों किसे नूं तोलण वास्ते फड़ा दित्ती जाए ना, फिर स्वाद यह आ भी तकड़ी नूं बंदा तोले। यह नहीं भी हुण तकड़ी मेरे हाथ च आ गई है तो हुण तकड़ी का वजन जिन्ना भी खिंच के अपने घर नूं जां अपने पिंड नूं लै लै उहदा फिर स्वाद नहीं रहिंदा। मकसद कहण दा सिर्फ यह आ भी जे चौर साहब कबड्डी साडी जिले टोबे दी करवाउंदे आ ना, साडा वी हक बणदा है कि इहनां नूं असीं इन्ना क अच्छा रिजल्ट दईए जिहड़ा भी उहनां दा मकसद आ। मिसाल दे तौर अगर इलैक्शन दे उत्ते आउंदे ने, साडा हक बणदा असीं इहनां नूं हर लिहाज़ नाल सपोर्ट करिए, असीं इहनां नूं सपोर्ट करिए जिद्दां दी साडे। देखो जरूरी नहीं होंदा भी कोई मतलब माली इमदाद ही करे, जां कोशिश जिहड़ी ना कोशिश उह बेशक किसे वास्ते तुर के जाणा जां किसे वास्ते माल खर्चना, किसे वास्ते दिन रात अपना टाइम जाया करके जाणा, इह भी कोशिश आ, इह भी अगले वास्ते इमदाद आ। ते जे अगर चौर साहब का मकसद इलैक्शन लड़ना तो इंशाला तला असी हर लिहाज ना चौर साहब वास्ते हाजिर हाँ। इंशाला तला असी हर तरीके दे नाल इन्हां दे नाल चलन नूं तैयार ने, तैयार हाँ। तो बाकी रह गई कबड्डी, कबड्डी वास्ते मेहरबानी कोई भावें वड्डा कोच है कोई छोटा कोच है, वड्डा कोई भी नहीं हैगा, वड्डी सिर्फ अल्लाह की जात आ। ये अल्लाह तला का साढ़े उत्ते इन्ना करम आ भी बेशक किसी के दोष गिरदा, बेशक किसी के दस गिरदा, बेशक किसी का सौ गिरदा, यार साढ़े वर्गे बंदियां नूं उस्ताद जी कहंदे, ये साढ़े ते अल्लाह का करम नहीं, अल्लाह पाक की रहमत नहीं, साढ़े वर्गे बंदियां नूं उस्ताद बनाता, ये मालक का साढ़े ते करम आ। ते मेहरबानी करके एक दूसरे की लत्तां खिंचण की बजाय एक दूसरे नूं प्रमोट करिए। टीमां जिस तरीके नाल भी बनन, बेशक भावें पिंड लैवल दियां बनन, बेशक बनदियां ते असीं जिले दे विच ही आ ना, इस जिले के टीमां बनियां ना, तो जिस तरीके की भी टीम बनी सब नूं चाहीदा प्रमोट करके टूरनामेंट नूं कामयाब कराया जाए। यह नहीं भी कोई कहे कि वह मसलन पीर महल का नहीं आना चाहिए, टोबे का नहीं आना चाहिए, गोज नहीं, जिला टोबा। देखो जी असीं जो गोदरे च बैठे हाँ तो असीं इस जिले के सिर पर बैठे हाँ, इस जिले के सिर पर गोजरा वा जी साड़ी, जो साडा शनाख्त कार्ड बनता तो टोबे आन के बनता, जे साडा कोई भी किसी किस्म का सिस्टम सरकारी इदारियां नाल रिलेटेड सिस्टम साडा बनता टोबे आन के बनता, तो जे सानू गोजरे वाले नूं बंदे कट करके बरे सुट देण यार फिर दुख नहीं लगता। मेहरबानी करो कबड्डी बिल्कुल खलूसे दिल नाल चौर साहब की इमदाद लैके असी जिले टोबे की कबड्डी नूं प्रमोट करिए।
कोशिश करके ज्यादा तो ज्यादा ताकि जिनी कौड़ी पिछला टूरनामेंट हो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त एडा जबरदस्त टूरनामेंट मजा आया खेडने वालों नूं देखने वालों नूं बल्कि देखो भावें 2-2 लाख रुपये नाम वाले टूरनामेंट होंगे इतने भावें 20,000 ही नाम रख के जिले लैवल से जो कौड़ी होंगी उसका स्वाद ही वखरा होंगे उसका मजा ही कल लगता तो मेहरबानी मेरे वालों रिक्वेस्ट आ सारे दोस्तों बिचे मम्मी देखो मैं भी बराबर ही सारे शरीक हाँ भी जिले की कबड्डी प्रमोट करने वास्ते असी एक दूसरे के नाल तावन करिए हाँ बार मिसाल जिले तो अलावा साढ़े प्राइवेट मैच होंगे जिन्हें मर्जी अपनी अपनी हर बंदा इनाम के लालच कह लो जिस तरीके भी कह लो हर बंदा अपने इनाम के लालच कोशिश करता तो करनी चाहिए है ना जिन्हें जिन्नी ज्यादा मेहनत करनी है उन्हें उन्ना ही फल लै लेना तो मेहरबानी करके सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट है भी बजाए एक दूसरे को खिंचन दे जिले लैवल से कबड्डी वास्ते एक दूसरे ना तावन करके ही जिहड़ा एक साडा एक दूसरे ना तावन ही चौरी साहब नूं खुश कर सकदा चौर साहब साडी हैलम कर सकते ने जे असीं एक दूसरे ने तावन नहीं किया एक दूसरे की मुखालफत विच असीं लत्तां खिंचदे रहे फिर वो चौर साहब की हैलम नहीं बल्कि चौर साहब देखो एक बंदा पैसे भी खर्चे मुड़ के बाद गल्ला भी सुने वह फिर स्वाद ना ना हो तो मेहरबानी अल्लाह ताला सानू सारे ना आपस खलुस मुहब्बत रहने की तौफीक अता फरमाई जी भी इस तो बाद अगर कोई बंदा कोई कोच है साढ़े बड़े सीनियर मोस्ट तुसी वीर आए हैं तो मैं बड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि राणा माज साहब खुद ही आने जी उन्होंने आना पैना कुछ अपने कमेंट्स दो उस तो बाद एस एन मुश्ताक साहब दे बाकी अगर बंदा कोई गलबात करना चाहता तो इतने आ के स्टेज उत्ते गलबात करो यार अज संगन वाली गल नहीं है अज अल्लाह की मेहरबानी ना कबड्डी उत्ते लैके जा रहे साढ़े प्रमोटर जी जनाब ऑनर मालक जनाब इमरान चौधरी साहब तो शहीदा शीशनाक खुली कबड्डी का बाद एस एन मुश्ताक साहब थोड़ी भी वारी आनी जरा रेडी रहना तुम क्योंकि यार गलबात इतने हो जाए अच शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है सानू यार इन्हीं गल्लां तो होंदियां नहीं गल है कबड्डी की तो कबड्डी की गल करनी है तो चौरी साहब ने बड़े इवेंट करवाए ने बहुत इवेंट करवाए ने उहदे विचों रजाणे एरिए किन्ने होए ने बाकी दे जिले च किन्ने होए ने कोशिश करे करन सारे कोच भाई यार गरीबों ने भी याद रखा कर जोड़े गरीब कोच होंगे उन्होंने नाल लैके चलिया करो और सब तो वही गल जिले टोबे के ऐसे उस्ताद ने जिन्होंने जिले टोबे वास्ते बहुत कुछ किया बहुत कुछ किया उन्होंने किसी ने याद भी नहीं किया साढ़े सीनियर बैठे ने उस्ताद अरशाद साहब शौकी बहुत जिले टोबे वास्ते किया जिले टोबे का बशिंदा सफदर चिड़ू खान अब्बास राणा माजे साहब भी एक गल कर रहे थे भी उन्होंने नैक्सट वास्ते उन्होंने बुलाना है होर भी बहुत प्लेयर ने होर भी बहुत प्लेयर ने अभी तो आ जाने अभी तो झेकते हैं ना कबड्डी के यार पुराने उस्तादा याद करो अगर उस्तादा याद नहीं करना तो इंशाल्लाह सानू भी किसी ने याद करना तो यार सानू रजाने एरिए भी याद रखा करो यार कबड्डी वास्ते भी इवेंट होए ने तो साढ़े को इको ही इवेंट होया रॉयल किंग का तो भाई इमरान के पिंड होया साढ़े को नहीं होया कमाली एरिए कोई रॉयल किंग का इवेंट नहीं होया जेड़े पिंड इवेंट होए ने वो हूँ दोबारा जो अगर इवेंट कराने तो सानू दो असी करवाइए और असी करवा सकते हैं कौड़ी के अल्लाह जी सदर रॉयल किंग यूएसए जिला टोबा राणा माज साहब जी अपने ख्याल का इजहार करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले तो जिन्हें भी मेरे दोस्त मेरे उस्ताद मेरे जूनियर तकरीबन सारे सीनियर ने सारे नू वेलकम कहने जी तो चंद गल्लां तो एवें वाहवा सारियां ने जिन्नियां मर्जी करी जाइए लेकिन गल विच कोई नहीं हैगी चौरी इमरान का मकसद आ कबड्डी प्रमोट करनी असी उस चीज़ नू रल मिल के उन्हां दा जिहड़ा ख्वाब आ या जो साढ़े लई कर रहे आ उन्नू मेनटेन करना चलाउणा
और एड्डी कोई गल फर्क तो है कोई नहीं, जड़िया साड़िया जाति मुखालफात ने उन्होंने यार रॉयल गैंग के प्लेटफॉर्म तो हटा के वो आप बाद पिंड के मैच बथेरे ने वो आप दूर करा सारे, तो जोड़ा रॉयल गैंग का प्लेटफॉर्म आ ये तो थोड़ा जा बचा के लगावे, बाकी सारे दोस्तों के मशवरे के नाल ही आदे ना मेरा को मशवरा चलना ना उस्ताद नसीर का ना हाफजी का ना उस्ताद अच्छी का ना उस्ताद जुल्फकार का ना उस्ताद मनशे का, जड़ा भी मुतफिका फैसला होना वा जो दोस्तों का मैं ना नहीं ले लै सकया माजरत, बाकी जड़े भी दोस्तों का बराबर मशवरा होना वा काम उ होना वा जो बेहतर होना वा, ये जाति मफाद किसी का नहीं है। एक दो चीज़ा ये मीटिंग हुई आ इस तो पहले एक मीटिंग हुई थी पिछले साल, ये मीटिंग करन दा यही मकसद होंदा वा भी यार जे कित अगर कि गलती कताई होंगी आ यार उन्होंने सही करना, ये नहीं भी उस उत्ते उंगल चुकना भी ये फलां ने गलत कर दिता, नहीं यार वो बाकी बंदियां नाल मशवरा करके भी यार इन्हू कोई होर हल बेहतर कर लो, असी तो अपने जेन के मुताबक जो भी तश्कील दें ठीक दें, तश्कील दे के एक मोनो बना पैंता वा बना के फिर बाकी दोस्तों की राय ले जाती आ भी क्या ये ठीक आ जे नहीं ठीक तो अपने तरीके कर लो। बाकी दूसरी गल उस्ताद शीश नाग की, उस्ताद जी पिछले साल असी भी टूरनामेंट कराए ने रुझाने के सू कोई एक बंदा सू आ कह दे कि असी टूरनामेंट करवाना वा तो तुम करवाया नहीं, रुझाने के सू कोई एक बंदा आ गल कह दे भी पिछले साल मैं माजद न चिश्ती साहब न मैं क्या भी साढ़े पिंड टूरनामेंट कराओ तो तुम कराया नहीं, उस्ताद जी वो टूरनामेंट करवाना चाहेगा तो पिंड करवावे हूँ तुम सू कहो असी करवावे, जिन्हें पिंड टूरनामेंट होए ने वो कुछ दोस्त अहबाब तकरीबन सारे बैठे ने उन्होंने पूछो भी वो खुद आ सारी गल किसी की उस्ताद जी दिल चाहता होएगा तो जाके करवावे भी इस तरह अगला बंदा सानू उत्थे असी जाके तो पुत पिंड फिरते रहिए वो सानू पूछे ही ना भी अं टूरनामेंट अं उन्होंने कही भी तुहाडे पिंड टूरनामेंट करवाना वा, इस तरह नहीं हो सकता, जिस किसी भी टूरनामेंट करवाना वा जो कुछ भी हैल्प कर सकते हैं कबड्डी वास्ते असी नहीं कर सकते करना अल्लाह पाक की जात ने करवाना चाहो इमरान के हाथ दो ठीक है कि नहीं, असी खुद कुछ नहीं करना अपने किसी ने भी अपने घरों, अगर किसी कबड्डी के मतलब कोई चीज़ चाहिए आ यार साढ़े तक कोई चीज़ पहुँचेगी सूँ पता लगेगा तो अं अगे दसागे, साढ़े तराद किया जाता भी यार ये नहीं किया मेरे ना हूँ मैं इलम होएगा तो मैं करा अगे कोई सिफारिश पेश करा जो मैं इलम ही ना हो तो मैं कितों कर लेनी है, जड़े पुराने उस्ताद ने पिछली दफा बंदा भुलनहारा बंदा भुल जाता उस्ताद जुल्फकार उस्ताद छादा रैज उस्ताद अच्छी चिश्ती साहब भामन शाह उस्ताद टोनी हुरी अं तकरीबन सारे राबते कर करके जड़े जड़े साढ़े जेन च आए असी उन्होंने इज्जत अफजाई उन्होंने की, जड़े को कुछ भुल भी गए साढ़े को साढ़े जेन च नहीं आए या जेन च है भी सी राबता नहीं कर सके ठीक है कि नहीं, उद्देश उस्ताद शीश नाग ने तिना बंद ना लिया उन्हें उधर ना लिया, मैं क्या उस तो पहलों उस्ताद जी असी रिकमेंड कर चुके हैं कि साढ़े को पिछले सालों मिस हो इस साल अं इंशाला सदांगे, एक बंदा मेरे राबते च नहीं है उस्ताद जी तुम उदो ही कहा उस्ताद का राबता करो ठीक हो गया, बाकी उस्ताद अपना चिड़ू आ सफदर चिड़ू उधर मजीद साहब राबता हो गया अपना उधर मीटिंग भी हो गई है वो आया से बुलाया से उस्ताद खान अब्बास रह गया इस तरह उस्ताद नाजी भी रहा वा ठीक है वह भी पिछले साल शामिल नहीं हो सकया, ज़िया रांझा बहुत सारे बंदे मिस ने आपस मशवरा करके असं वह भी बुलावे उन्होंने भी इज्जत अफजाई करा ठीक आ, बाकी जी टूरनामेंटा का लाए अमला ज कोई भी चीज़ आ ये सार्या की रजामंदी के नाल ही होंदा वा, कोई एक बंदा इनू करने वाला नहीं है, अगर कोई बंदा कहे हाफ जी ने एक गल की भी दो मीटिंग होंदिया ने एक जाहरी होंगी आ एक पिछे होंगी आ ठीक है कि नहीं, हाफ जी मीटिंग हर बंदे दे कोल होंदिया ने एक कतन ही गलत गल आ भी जे चौर इमरान को मैं ते दो बंदे मीटिंग करते हैं तो बाकी बंदे अपने घर ना करते हो फोन पर ठीक है कि नहीं, मीटिंग उ जी हूँ हो रही है पहलो जड़ी भी हुई आदा कोई मायना नहीं है, जिस बंद जो मसला वा जिस बंद जो गल चीज़ पसंद नहीं है अगर मैं अपने फायदे लिए कर रहा वा तो उन्होंने रिजैक्ट करके जाओ उ बहस करो भी जी ये चीज़ नहीं हो सकती ये माजद ने एक्सैप्ट की जुल्फकार करता वा
उस्ताद नसीर करता वा वो चीज़ इतने की बेहतर आ बजाय के बाद की यार कोई चीज़ भी नहीं हैगी अगर कुछ हो रहा वा तो कबड्डी की बेहतरी नहीं हो रहा ये एक बंदे का तो फायदा कोई नहीं कुछ भी हो रहा वा मैं अपने आप को चंगा तो मैं भी कोई नहीं है लेकिन अगर कोई चंगे काम कोई भी बंदा अगे लगना अगर मेरे अगे लगन से किसी को इतराज आ जा कोई चीज मैं इस चीज का रल गया कि मैं इस चीज़ का भी कोई नहीं भी मैं सदर हाँ मैं निजाम चला मैं ही चला मैं इतने सोटा फड़ के बैठा नहीं कोई चीज नहीं आपां नूं कोई इतराज नहीं आप मुखलस तरीके नाल चलांगे अगर कोई बंदा साढ़े तो अच्छा काम कर सकता अपने आप नूं कोई समझदा या कोई दूसरा दोस्त समझदा भी माजत ना हो दूसरा बंदा कोई इधरों बेहतर काम कर सकता माजत गलत कर रहा तो आप भाई फिर भी हाजर हाँ आप फिर भी असं उहदे नाल चलांगे वो जे जो चलेगा असं उहदे नाल चलांगे इस सिस्टम नूं चलाउणा वा बजाय ये नहीं कि मैं अगे हाँ तो मैं करना वा कुछ बंदे साढ़े दोस्त है ने ठीक है वो साड़ी अपनी जाति पिंडा थावां दीआं हुंदीआं ने वो होनिया भी चाहीदीआं ने कबड्डी का संगार आओ अगर वह ना हो तो कबड्डी खत्म हो जाएगी ठीक है तो इस करके अगर मेरे किसी को अगे लगन का इतराज आ सारे मेरे भाई ने तकरीबन सारे मेरे को सीनियर ने यार जे अगर साढ़े ना बेहतर को काम कर सकता तो आप मगर काम करने तैयार ठीक है कि नहीं असं वो पिछे काम करके अज जिस तरह करने इस तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के करा सू इस चीज़ का कोई इतराज नहीं है सानू ना कोई इस चीज़ की हैगी एलर्जी भी यार फलाना आएगा ठीक यार कबड्डी लिए करना वा अगर चौर इमरान एक साल पहलों कबड्डी वास्ते होया सी तो चौर इमरान का मेरे ना राबता होया सी अगर मैं लालची हुंदा या कोई चीज़ तो मैं चौर इमरान को की नहीं लै सकता पाँच साल हो गए चौर इमरान पाकिस्तान के आए पाकिस्तान कबड्डी के दे रहे चीज़ा पाँच साल हो गए चौर साहब नूं इत्थे आया वो सारे बंदे काम कर रहे चौर साहब वास्ते चौर साहब ने बरेली काम किया बड़ा कुछ दिता जिदे चौर साहब ने जो 80 बाइक जड़िया ना पाकिस्तान दे विच इस टाइम तकसीम कर चुके ने जड़िया पाकिस्तान का रिकॉर्ड आ पाकिस्तान दे विच सब तो ज़्यादा बाइक रॉयल कैन यूएस दे ओनर चौर इमरान साहब ने तकसीम कीतियां ने ठीक आ जिदे विच एक कार एक जीप ये पिछले साल पिछले पांच साल तो जो तकसीम कर रहे हैं ये दी है ठीक है दूसरी चीज़ टोबा टेक सिंह की आ गई जदों का चौरी साहब पिछले साल टोबा साल हो गया पिछले साल आए ने साढ़े ना रबता होया असी 16 बाइक तकसीम की टोबे के टोबा टेक सिंह के 16 बाइक मुंडिया ने दिखाई गई वो कल किसी बंद के घर नहीं गई वो भावें मैं सदर हाँ भावें चिश्ती साहब सैकटरी ने भाई भाई नसीर नाल वो तकरीबन अबलाइज किया हर बंदे जड़ा जड़ा बंदा टच सी साढ़े नाल जड़ा जड़ा बंदा इस सिस्टम का हिस्सा है ठीक हो गया फिर असी दूसरे जोड़े को साढ़े बोस सीनियर उस्ताद सी असी उन्होंने तकरीबन 19 मेरे ख्याल 18 ताज दिते चांदी के बना के इज्जत अफजाई की वो राणे माजत के घर नहीं गए ठीक है कि नहीं राणे माजत घर एक भी नहीं गया वो बाकी सारे दोस्तों यार दिते गए बाकी साढ़े जोड़े उस्ताद से मेरे ना बहुत सारे मुखालफ से मेरे बहुत सारे मेरे ना बोलन को नहीं सी ठीक है कि नहीं असी उन्होंने घर जाके उन्होंने कहा भी यार ताड़ी मेहरबानी है ताड़ा हक बनता वा ताड़ी मेरे ना मुखालफत आ तुसी लो ये तो लवो तुसी टोबे का सिस्टम का हिस्सा जी तुसी टोबे लई बहुत कुछ किया ये तुहाडा हक बनता तुसी लवो ठीक है फिर 400 सवा 400 किट तकरीबन दिती वो किसी भी एक पिंड च नहीं गई वो टोबे दे विच कोशिश की कि सारे जिन्हें भी बंदे कबड्डी खेडते हैं सारे तकसीम की जाए तो सारे तकसीम हो गई एक साल तो पहले किसी के घर कोई चीज़ तकसीम नहीं होती अज चीज़ा गलत लगन लग पी बंद पहले कुछ भी नहीं होता यार अज जो भी होने दो अगर एक अद्धे बंदे कसारा भी लगता ना वो बर्दाश्त करे यार कुछ ना कुछ तो हो अगे तो कुछ भी नहीं होता अगर एक बंदा इन्ने साढ़े पैसे ला रहा वा इन्ना कुछ कर रहा सू टाइम दे रहा पहलों तो किसी तो वीक नहीं हुई ये काम करन दी यार उन्हें डिसाइड ना करिए वो साड़िया साड़िया लड़ाइया तो वो डिसाइड हो के पिछे यार ये कबड्डी वाले होंगे इंज देने वो ये गल कह के अपने घर बह जाए अगर साढ़े लिए कुछ अभी कुछ करन दिया वा तो वो मेहरबानी आ अगर अज तक किसी नहीं किया तो असं की कर लिया किसी का असं किसी का कुछ नहीं कर सकते जिस बंद ने अपनी जेब चो पैसे लाने ने जिस बंद की वो मेहरबानी वो लाएगा तो ना लाएगा तो आप कर लाँगे डांग मार देनी किसी ने ये कोई चीज़ भी नहीं हैगी कोई अपनी जाति मफाद किसी को लैंदा वा वो जाति तलक आ
ठीक है कि नहीं, जिथे पार्टी जिथे सिस्टम कोई चीज़ भी आ जाती है उत्थे सिस्टम के मुताबिक चलना पैंदा वा, जो सिस्टम च कोई गलती होए उन्हूं फसाद नहीं बनाई दा उन्हूं सुधारी दा हुंदा। ये नहीं भी उहदा फसाद एक गलती हुई है चलो उस बंदे ने जानबूझ के भी की थी, लेकिन ये चीज़ नहीं भी उहदी गलती नूं अगे करके वह सिस्टम ही खराब कर दो, नहीं यार उन्हूं चलना वा। आप टोटल टूरनामेंट 17 करवाए ने पिछले साल, वो तकरीबन जड़े जड़े पिंडां दे विच होए ने और रिकॉर्ड साढ़े को मौजूद आ। इस इंशाल्लाह इस दफा भी करवावांगे, इहदा दुबारा लाहे अमल तैयार होएगा टूरनामेंटां दा। ठीक है हुण लीग जिहड़ी करवा रहे हां तुहाडे सामने आ, जिहड़े को उहदे विच को अदब-ओ-ज़ाबत कानून है ने, असीं ते जिहड़ा मशवरा कीता, असीं जिहड़ा मोटो तैयार कीता, जिहड़ा को सिस्टम तैयार कीता वा वो तुहाडे जोर तुहाडे के जोर साहब खुद बयान करनगे आण के दसणगे। तो अगर उहदे विच को गलती कताई होया मशवरे नाल ही आ तो वह गलत भी हो सकता, अगर वो कोई जी गलती कताई हो तो सारे बंदे बैठे ने मेरे तो सीनियर ने उन्होंने दुरुस्त कर सकते हैं। तो यह जी चार बाइक हूँ असी देनिया ने अपने लीग के उत्ते 75 किलो तो कैटागरियां चार बनाइया ने, दूसरी तो तीसरी कैटागरी बाइक बैस्ट जो प्लेयर हो बैस्ट रेडर तो बैस्ट स्टॉपर उन्होंने बाइका असी अपना निजाम बनाया वा। अगर ये गलत आ तो कोई बंदा ये कोई अटल नहीं है, हर बंदा मैं बार बार ये गल कह रहा वा भी ये बाद दे विच ये नहीं कहना भी माजन ने जो कहता भी इन्हें पहले ही चेंज बनाया सी, ये गलत भी हो सकता वा, तुसी इहनूं दुबारा ठीक कर सकते हो, तुहाडे कोल ये अथॉरिटी मौजूद आ। असी जो तुसी बनाउणा वा आपां उहदे ते इंप्लीमेंट करना वा, आपां उहदे च करवा देना वा, ठीक है कि नहीं। तो बाकी सारे दोस्तों को अगर कोई मेरे को वध घट बोलिया जाए कि दिल आजारी हुई हो भाई मैं माजरत करदा, तो बाकी सारे का थैंक यू मेहरबानी, सारे बंदे साड़ी आवाज़ से साड़ी कॉल से इतने आए शुक्रिया। अभी खुशामदीद कहते हैं कि तुम साड़ी कॉल से इतने तशरीफ लिया, जिन्हें भी कोच साहब प्लेयर हाँ आने वाले मौजूद मेहमान हैं जी, सारे का बहुत शुक्रिया। जिस तरह असी पिछले साल रॉयल किंग के प्लेटफॉर्म से कबड्डी के कुछ 17-18 इवेंट कराए हैं, इस तरह ही इस साल भी इंशाला साड़ी कोशिश है कि उदा द ईवन कराइए जो बेहतर करिए। जड़िया गलतियां पिछली बारी हुई हैं वो ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि वह गलतियां असी खत्म कर सके तो सारे भरावान ना राजी करिए। इस वास्ते मैं कोई लंबी चौड़ी गल नहीं करनी, जी प्लैनिंग राणा माजे साहब ने काफ़ी गल् कर दी घट दफा जी, तो जे कोई दो चार बिछोड़े नहीं हो तो साहब कर दिए इन शाला। हाँ जी अगे भी टूरनामेंट पिछले साल साढ़े तकरीबन 17 टूरनामेंट असी कराए ने, तो इंशाला कामयाब हो चौधरी साहब की मदद के तावन के नाल, ठीक है ना जी। तो एरकी भी तकरीबन 27-28 टूरनामेंट कराने की साड़ी सलाह है, तो इंशाला अल्लाह के हुक्म नाल असी यह भी कामयाब करांगे नज़्म सबर नाल। कुछ साडा ज़हन ये कि एक तो फुल टूरनामेंट होना चाहिए चौधरी साहब साड़ी तस्वीर जी, एक जिहड़ा सेंटर के कुछ लड़के बहुत उत्ते तुर जाते हैं उन्होंने वेट नहीं पूरा होता, वो ना 80 च आ सकते हैं तो ना उस 65 च आ सकते हैं, एक वो टूरनामेंट होना चाहिए होना चाहिए विले सिस्टम, तो एक जिहड़ा ना वो 65 किलो का होना चाहिए, लेकिन ये एक बच्चा भी जिहड़ा ना वो बाहर का नहीं खेलना चाहिए, हर बच्चा अपने पिंड का खेले, लेकिन एक क्लबां दे करदे इस तरह ने कोई उधरों फड़ के पा लें कोई उधरों पा लें, इस तरह किसी बंदे की मेहनत का पता नहीं लगता वो किन्ने किन्ने पानी को पता तो तार लगता जी, हर बंदा जिहड़ा वो अपनी मेहनत करके अपनी टीम लैके आवे, तो कोशिश करो सारे भरा जिहड़े इहनूं वड्डी सानूं मौका नहीं मिल सकता साडे इन्हां भरावां नूं टूरनामेंट चौधरी साहब साड़ी मदद करते हैं साढ़े से खर्चा करते हैं। कल चौधरी साहब माड़ा जहाँ मैं से इन्हें दसा चौधरी साहब है मुंडा जाना तो मैं बलोच का बेटा तो गरीब मेरे को ट्रेनिंग करना आंदा है तो पैदल आंदा इन्हें उस टाइम भी मोटरसाइकिल का उन्होंने मान सम्मान का ऐलान कर दिया, एडा दर्द रखने वाले बंदे ने इन्होंने सानू भी तावन करना चाहिए, उस तो इन्होंने कुछ असं इन्हों मजबूर भी कर रहे हैं कि साढ़े हल्के जी इलैक्शन लड़ो, तो चौधरी साहब थोड़े थोड़े पैर ला रहे हैं इंडिया की धरती के उत्ते कालसा जिला इन्हों का इंडिया के जिला अपना जिला भी वेख के आया
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਨਸ਼ਾ ਗੁੱਜਰ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਿਆਲਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਆਸਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗਣਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮਸਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਾਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਮਾਝੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਕਬੱਡੀ ਆ 65-70 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਅਸਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣਨਾ। ਬਾਲੂ ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੈਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਲਮਜੀਵੇ ਚੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਘੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਟੋਭੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂ ਐੱਸ ਦੇ ਆਨਰ ਮਾਲਕ ਫਕਰੇ ਟੋਭਾ ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮਾਲੂਮ ਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 323 ਤਰਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ 37 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਉਹ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝਾ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਚ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਭੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਭੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਆ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ
एक बार चौरी इमरान के ना की तुम कसम लगेगा ताड़ी ना मारे। मेरा एक ख्वाब से कोई हीरो भी कबड्डी के आएगा जोड़ा जिले टोभी को लैके चलेगा, एक ख्वाब से मैं देखता हूं ना। अल्लाह की कसमी ख्वाब में चौरी इमरान आए इन्होंने आज उस ख्वाब को आगे पूरा किया वा मेरे ने। मेरी जान और मेरी जिंदगी कौडी के उत्ते नुसार आ। कुछ बंदे कहते दिते ग्रह जी ने की किया वा दीवानगी जी ये ना सब तो वड्डा नाम आ। जेडे बंदे दीवाने ने ना कि चीज़ के असं ताे आशक हाँ तुम कबड्डी खेडते जे और अलहमदुल्ला मैं भी 18-20 साल कबड्डी खेडिया वा भाई मनशे को पता भाई नसार को पता वा असं कोई इवें नहीं बने गए चलो हूँ नहीं खेड सकते। बाकी गल हम शॉर्टकट में करा कि चौधरी साहब का इलैक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं है कोई जेन नहीं है। भाई मनशा है उस्ताद जुल्फकार आ उस्ताद अच्छी है तुम सारे ही जे कोच जिन्हें साहबान ने उन्होंने कहा है कि चौधरी साहब माड़ा जहा आसरा करो ये सियासतदान तो सारी जिंदगी कुछ नहीं किया इन्होंने। अगर तुम 5-10 साल तो कबड्डी इन्ना प्यार करते पे जे तुम सिर्फ जिले वास्ते नहीं कबड्डी वास्ते किया यार फैसलाबाद के मुंडे मोटरसाइकिल चौधरी साहब ने नहीं दीतियां। ये लोग सोची जाएंगे सिर्फ टोबे वादी चौरी इमरान करता पाया नहीं चौरी इमरान कबड्डी वास्ते करता पाया कारा दीतियां मोटरसाइकिल दीतियां अल्लाह की कसमें इन्हों ना कबड्डी ना प्यार आ। कुछ लोग सोचते हैं ना कि चौरी इमरान सिर्फ टोबे वास्ते करता पाया नहीं बिल्कुल अपने दिमाग चो गल कढ़ देन चौरी इमरान पूरे पाकिस्तान वास्ते करता पाया वा। और असी यकीन दया नहीं कराने चौरी साहब ये जेडे कोच ने ये इंशाल्लाह ताला मेरे ना वादा करो कि चौरी साहब कबड्डी वास्ते आए ने और कबड्डी वास्ते ही जीने पे ने। अगर तुसी मुखलस जे ताडे ब्लड दे विच कबड्डी है ते चौरी साहब नाल वादा करांगे कि चौरी साहब इलैक्शन लड़न जो भी इन्हां दा ज़ेहन होवे असी चौरी दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलांगे भावें पीटीआई दे आ भावें असी नून लीग दे आ जिहड़ी मर्जी जमात दे आ असी चौरी दे नाल आ साडी जान हाजर चौरी साहब वास्ते साड़ी कोई जमात नहीं होएगी। कोई बंदा ना कहे मैं पीटीआई दा यार मैं नून लीग दा हाँ मैं खुद पीटीआई दा जियाला वा मैं स्टेट सैकटरी रहा पीटीआई दा लेकिन मैं उत्ते हाथ खड़ा करके कह के आ तरांडी कि मेरा बिल्कुल लिंक मुक गया है कबड्डी आ गई असी खत्म हो गए हर चीज साड़ी छुट गई है क्योंकि ये साड़ी दर्द वा इन्ना साड़ी दर्द के उत्ते ना हुण मलम लाई है चौरी साहब हुणां ने हुण सानूं कोई शायद की लोड़ नहीं हैगी असी कबड्डी वास्ते जींदे हाँ कबड्डी वास्ते ही मरांगे जिन्नी देर साड़ी जिंदगी है। तुसीं सारे मेरे सीनियर जे अज वादा करो यकीन दहानी कराओ चौरी साहब नूं कि असीं तुहाडे नाल आ जिन्ने जोगे हैगे आ। वह बंदा मुखलस एक ही बड़ा होंदा भावें लख जिन्ने मर्जी मुनाफक होण उन्हां दी नहीं लोड़ हुंदी मुनाफक बंदे की लोड़ नहीं हुंदी एक अच्छे इंसान की लोड़ हुंदी है। तुसीं अज तुर पे ते इंशाल्लाह तआला देखियो ऐसा इनकलाब ऐसा सलाब होएगा कि यह जिले के पता लग जाएगा कि चौरी इमरान ने साडे बच्चों वास्ते की किया है। वोट तो सारी जिंदगी दिते ने सियासतदानों अज असीं अपने बच्चों वास्ते वोट देने ने असीं अपने बच्चों वास्ते चौरी दे नाल चलना है। बिल्कुल ताड़ी मेहरबानी जिन्होंने वीर ने मैनू मौका दिता तुहानू सारयां नू मैं सलूट पेश करना मेरे सारे सीनियर ने भाई बड़ी बड़ी मेहरबानी।